हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन फैजू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे और खुश और हमेशा रहिए और मेरी वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहिए। सो, आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली चीज़ें। तो मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ अपनी मेकअप सीरीज, और अगर आपने स्किन केयर सीरीज मेरी नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो को लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप जरूर से जाके देखिएगा, काफी काम आएगी। क्योंकि स्किन अच्छी होगी तभी मेकअप अच्छा होगा, मेकअप अच्छा होगा तो आप फिर आर्टिस्ट हो जाओगे। देखा कितना ईजी है। सो, यहाँ पे आज मैं आपको एक ऐसी मेकअप किट बताने वाली हूँ जो बिगनर्स के लिए है। ये चीजें मस्ट होनी चाहिए। देखिए, मेकअप में बहुत चीज़ें होती हैं, आप सब नहीं ले सकते, बट ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप समझिए एक अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और इस किट के साथ सेम मैं काफ़ी ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, प्रॉमिस। तो आज हम इस मेकअप किट में बताने वाले हैं क्या क्या है इसके अंदर का। आपको पिटारा जानने के लिए ना फटाफट से सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कर दीजिए, कर दिया तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड मैं आपको आज कुछ बातें बताना भी चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मेकअप में इतनी चीजें आती हैं ना कि आप फिर हल्के हल्के सीखते हो। मैंने एक गलती की है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा मेकअप इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, और मैंने काफी प्रोडक्ट्स बाय किए एंड वो मुझे समझ भी नहीं आते थे कैसे यूज करना है, क्या करना है। एंड फिर मैंने खुद ही हल्के 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 इन सबको यूज करना सीखा एंड आज के टाइम में मैं बहुत ही बढ़िया मेकअप करने लगी हूँ। मैं खुद बोल रही हूँ, अगर कभी कोई पुरानी पिक्चर होगी ना तो मैं आपको शो कर दूंगी एंड आज के मेकअप में मेरा जमीन आसमान का फर्क है। तो यही चीज प्रो बना देती है आपको, और मुझे कोई ऐसा सीखना वीखना नहीं है, मुझे बस अपने आप को अच्छा करना था मेकअप अपना एंड आप लोग कर सको इतना अच्छा, बस मुझे ही करना था। एंड ये छोटे मोटे जो आप मेकअप कराते हो ना पार्लर में जाके 3,000-4,000 के कराने की जरूरत ही नहीं होगी, मेरा चैनल फॉलो कर लेना। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप ले सकते हो एंड इन सारी चीजों को आप सिस्टम में ले सकते हो, क्योंकि मैं अगर बिगनर होती हूँ, मुझे समझ होती तो मैं यही किट बनाती हूँ, मेरा सारा सोल्यूशन निकल आता रियली। क्रिसमस की चल रही है बहुत अच्छी सेल काफी जगहों पे, आप वहां जाके विजिट कर सकते हो, ये प्रोडक्ट और कम में मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी आप लोगों को। सो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको अपने मेकअप किट में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए मस्ट। सो, मैं शो करती हूँ अपने मेकअप किट एंड ज्यादातर मेरे ना ट्रेवल में भी यही प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो क्योंकि कैरी करना इजी हो जाता है मेरे लिए, एक दो चीज़ें मुझे अलग से कैरी करनी पड़ती हैं एंड इतने से पाउच में आपका मेकअप हो तो फिर क्या ही दिक्कत है। एंड आज आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठेगा और नोट कीजिएगा जो जो मैं बता रही हूँ, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो पे ध्यान देना है। एंड मेकअप सीरीज स्टार्ट करनी है तो इससे पहले मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, ताकि मैं जब प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ तो आप लोग कन्फ्यूज ना हुए ये क्या है। तो मैं सारे प्रोडक्ट्स का आज इंट्रो भी करा देती हूँ और बिगनर्स के लिए किट भी बता देती हूँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं एंड ये सारे वो हैं जो मैं पर्सनल यूज करती हूँ, तो आपको मैं कुछ गलत तो बताऊंगी ही नहीं। एंड कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास एक्सपेंसिव हैं तो मैं आपको उनका बता दूंगी कि आप लोग कौन सा ले सकते हो वो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आप स्किन केयर कर लोगे, स्किन केयर करने के बाद जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है यहाँ पर कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। प्राइमर दो तरीके के होते हैं एंड वो आपको मेरे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा जब मैं पूरे प्राइमर को डिटेल में बताऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लेना चाहिए, ये मैं यूज करती हूँ एंड ये मियोन का है एंड काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है एंड इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि हल्के से गोल्ड अगर आपको दिख रहे हो या कैमरा फोकस कर रहा हो तो आपको इसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स भी मिल जाएंगे जो कि आपकी स्किन पे शाइन करते हैं। एंड इसका कैप मिस हो गया है एंड काफी ज्यादा क्लासी काफी बढ़िया है, मेरी सेकेंड बोतल है। फर्स्ट वाली मैंने इसकी पर्ल की यूज की थी एंड सेकेंड में यहाँ यूज कर रही हूँ 24K गोल्ड एंड इट्स सो गुड। तो आपके पास एक सिलिकॉन बेस प्राइमर होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। उसके बाद जो सेकंड चीज है वहां पे वो जरूरी है यहाँ पे फाउंडेशन। अब आप बोलोगे हम कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या काम करो, आप लोग फाउंडेशन आप अपने नॉर्मल मॉइस्चराइजर लो या व्हाइट क्रीम लो, सनस्क्रीन लो, उसमें एक से दो ड्रॉप ये डाल के एंड उसको आप मिक्स करो और अप्लाई कर लो, वो बीबी क्रीम का काम कर जाएगा एंड फिर वो आपका फाउंडेशन का काम भी कर जाएगा। तो मैं दोनों चीजें यहाँ ले आई हूँ, अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए होगी पार्टी में तो फाउंडेशन का, एंड फाउंडेशन से ही आप एक दो ड्रॉप्स मिक्स करके अपने मॉइस्चराइजर में यहाँ पे बना सकते हैं अपनी बीबी क्रीम, तो इट्स सो इजी। ओके, तो सेकंड फाउंडेशन।
अब फाउंडेशन के बाद ठीक है ना, हमें जरूरत होती है कंसीलर की। सो कंसीलर पैलेट आप लोग ले लें तो बहुत बेहतर है, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। आप करेक्टर अलग से लोगे क्योंकि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम सभी को होती है, डार्क स्पॉट्स की भी सभी को होती है ज्यादातर। तो आपको एक ही किट में जो सब चीजें मिल जाएंगी वो है ये इनसाइड की प्रो कंसीलर पैलेट, एंड आज का प्राइस शायद आई थिंक 199 है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। काफी ज्यादा क्रीमी फॉर्म में होते हैं ये, आपको यहाँ सारे करेक्टर्स भी मिल जाएंगे, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, एंड ये सब अलग अलग काम होते हैं और आप मेरी आने वाली वीडियोस में देख ही लोगे। एंड ये आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आप लोग कॉन्टो के भी देख सकते हो, तो काफी अच्छी पैलेट है ये। सिंगल लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल यार आप फिर इसमें सब कुछ मिल रहा है आपको, कॉन्टोर भी मिल रहा है आपको, इसमें कंसीलर भी मिल रहा है आपको, इसमें करेक्टर्स भी मिल रहा है। आप खाली कंसीलर लोगे तो नॉर्मल एक ही शेड में आएगा, तो क्यों लेना है, इसमें सारे काम हो रहे हैं ना। और ये छोटा सा भी है तो कहीं भी आप ट्रैवल फ्रेंडली भी इसको रख सकते हो। उसके बाद जो हमें जरूरी है अब इन सबको सेट करने के लिए, वो आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो। अभी आप लोग बोलोगे लूज पाउडर, मैं लूज पाउडर यूज करती हूँ, बट मैं स्टार्टिंग में कॉम्पैक्ट यूज करती थी। उसके बाद जब आपको आइडिया मिलेगा कि आपका फेस कितने पाउडर में सेट हो जाता है, तो उसके बाद आप लोग लूज पाउडर पे भी आ जाना। सो कॉम्पैक्ट पाउडर जरूरी है, कॉम्पैक्ट तो सेम मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ही है। एंड ये है हिलारी डोरा का डबल स्किन व्हाइटनिंग पाउडर, ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ही है बिल्कुल, देख सकते हो आप लोग। ब्लेंड करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ यहाँ पे व्हाइट व्हाइट मैंने लगाया है। तो और फिर आप जब फाउंडेशन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्टोन हाई चला ही जाता है, तो उसमें फिर ये बढ़िया से काम करेगा। फर्स्ट मेरे पास सिंपल है, एंड इसका सेकंड देखें तो ये विश शाइन है जो अपने नेक वगैरह पे या यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, जो बाद में फिर एक अच्छा लुक दे। एंड इसके साथ आपको एक स्पंज मिलता है। ये सीरीज मैंने देखी है, जो लोग कहते हैं हमें मेकअप नहीं आता और फिर बाद में कोई मुझसे पूछेगा ना हमें मेकअप नहीं आता, तो फिर मैं बोलूंगी कि सीखो यार, मैंने सब बता रखा है, इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू कर रही हूँ। सो इस स्पंज को अगर आपको यूज करना है लाइक दिस, एंड इसको टैप टैप करना होता है हमेशा। मैं इसका भी सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी, कॉम्पैक्ट पाउडर को या लूज पाउडर में क्या फर्क है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, वीडियो जरूर फॉलो करना आगे की मेरी मेकअप सीरीज। सो आपके पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी होना चाहिए सेट करने के लिए। कॉम्पैक्ट के बाद अब बारी यहाँ पे आती है आपके, हम थोड़ा फेस पे आते हैं, जिसमें आता है कॉन्टो, ब्लश एंड हाइलाइटर, दैट्स इट, फेस मेकअप डन। उसके लिए आपको अलग से ब्लश लेने की जरूरत नहीं है, आप बाद में जब परफेक्ट होने लगोगे आपको पता चलने लगेगा आपको कैसा कलर में चाहिए, आपको किस तरीके से चाहिए। आप मेरी सीरीज देख लोगे उसके बाद आपको आइडिया होगा, बट स्टार्टिंग में नहीं होता इतना आइडिया। तो आप लोग जो हैं वो इस तरीके से पैलेट ले सकते हैं, ये मेरी वो ही पैलेट है जो मैंने लेने के बाद मेकअप सीखा है, आप उसका हाल देख सकते हो। एंड ये मेरी फेवरेट है, मैं इसको खत्म कर चुकी हूँ बिल्कुल, एंड आई लव दिस पैलेट। और ये मुझे दोबारा नहीं मिली, मैंने लोकल मार्केट से ली थी, डूडू गर्ल प्रोफेशनल मेकअप समथिंग करके है इसकी ब्रांड, आई थिंक इस टाइप से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं ढूंढ के उसका लिंक दे दूंगी। इसमें आप देख सकते हो यहाँ सेट करने के लिए पाउडर भी दे रखा है आपको, ये हाइलाइटर दे रखा है, ब्लश दे रखा है, एंड ये कॉन्टोर भी दे रखा है। और यहाँ कॉन्टोर हल्का सा शाइनी है, तो आपको अगर ये कॉन्टोर नहीं करना है तो मैंने आपको जो आपकी यहाँ दिखाई थी ये कंसीलर पैलेट, इसमें कॉन्टोर है तो आप क्रीमी वो कर सकते हो, या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये पैलेट काफी ज्यादा काम की है, अच्छी पैलेट है, आप सिंगल पैलेट में अपने सारे काम कर सकते हो, आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ओके मैं आपको अलग अलग बताऊं कि आपको यहाँ पे लेना होगा ये, आपको उसका ब्रश, आपको उसका हाइलाइटर, तो फिर बहुत ज्यादा पैसे क्यों देना है बिजनेस को, वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे ना फिर समझ के प्रोडक्ट। तो अभी मैं आपको वो प्रोडक्ट बताती हूँ जिनसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक अच्छे मेकअप करने के लिए। सो ये वही किट है जो मैं यूज करती थी, तो मैं आज आपको उसका बारे में बता रही हूँ। अब उसके बाद आई मेकअप पे आते हैं, अब आई मेकअप आते हैं, फेस मेकअप हो चुका है डन, एंड मैं कुछ एक्सेसरीज भी आपको दिखाऊंगी जो आपको लेनी जरूरी होंगी। तो आई मेकअप में मैं एक ऐसी पैलेट बता रही हूँ जो आपका सब काम कर देगी, देखो मैं सब काम लेकर आई हूँ, एंड वो है ये कलर बोर्ड, आपने देखी भी होगी, काफी ज्यादा वायरल भी थी ये, एंड दिस इज द कोको अर्बन कंपनी, काफी ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स में भी आती है क्योंकि काफी ज्यादा वैरायटी है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि आप जो हैं इसमें ये ग्रीन कॉम्बिनेशन है, आपको यहाँ पर शाइन में भी मिल जाएंगी, ग्लिटर्स भी मिल जाएंगी, एंड आपको यहाँ मैट कलर्स भी मिल जाएंगे,
तो आप प्रॉपर मेकअप कर सकते हो, जैसे ग्रीन है, ये ऑरेंज है, येलो भी है इसमें, ये ब्लू है एंड ये पर्पल एंड पिंक। तो आपको सारे कलर इसमें मिल जा रहे हैं जो आप मेकअप कर सकते हो। बिगनर्स के लिए ये काफी अच्छी आई शेडो पैलेट है, तो जरूर से लीजिएगा। अब आई मेकअप पे उसके बाद बारी आती है आई लाइनर की। तो एंड आई लाइनर से मुझे कुछ याद भी आया, मैं बताती हूँ। सो आई लाइनर के नेम पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट है और रिक्वेस्ट है वीडियो पे कि आप हमें विंग आई लाइनर बताइए। तो आपकी जो मेकअप सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें जो आई लाइनर वाला सेशन होगा उसमें आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, सॉरी। एंड यहाँ आई लाइनर्स की बात करूँ तो आई लाइनर जो होता है वो कलर में भी आता है, बट ज़्यादातर यूज जो होता है वो ब्लैक का होता है। दो तरीके का आता है, लिक्विड एंड आप लोग जो है देख रहे हो गया स्केच। तो मैं तो ये वाले में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मैंने यहाँ अपना ये ले रखा है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेबेलिन का लाइन टैटू। काफी ज्यादा अच्छा आईलाइनर है बट ये थोड़ा कॉस्टली है, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो लैक्मे का ये वाला, इसमें ब्लैक कलर भी आता है। एंड आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो, लिक्विड या फिर मार्कर, योर चॉइस। एंड एक और इसमें आता है वो होता है यहाँ ग्लिटर वाला आईलाइनर, तो आप लोग ये भी ले सकते हो पार्टी वगैरह में, उसके ऊपर आप अगेन इसको लगा लो अपने नॉर्मल आईलाइनर के ऊपर, तो काफी अच्छा आई मेकअप लुक दे देता है। बट अगर आप अभी आईलाइनर शुरू करो ना नया नया, तो आप यहाँ जाओ यहाँ, और अगर आप बहुत पहले से लगा रहे हो तो आप लिक्विड में एक्सपर्ट हो चुके होगे, तो योर चॉइस। आईलाइनर होना चाहिए बट, तो अगर काफी लोग आईलाइनर पसंद है। आईलाइनर के बाद जो मस्ट है आंखों में वो है यहाँ काजल। तो काजल दो तरीके के कलर्स में भी आते हैं, बट व्हाइट काजल एंड ब्लैक काजल, इसमें क्या फर्क है और क्या लगाना चाहिए वो मेरी वीडियो में पता चलेगा आगे, मैं आज प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ उसे। तो ब्लैक काजल भी आप लोग यूज कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा शुगर का काफी अच्छा है काजल। एंड दिस इज मियोन, सो यहाँ पे ये दोनों आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब आप लोग इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो फिर आईलाइनर भी हो गया हमारा, काजल भी हो गया, उसके बाद बारी आती है कोई भी एक अच्छा मस्कारा वाटरप्रूफ में। एंड ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, ये है यहाँ 1010 का, एंड ये काफ़ी अच्छे से आपकी लैशेस को कर्ल कर देता है। आप लोग लैक्मे का, मेबेलिन का, जिसकी आपकी इच्छा हो, आजकल तो सभी यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप ले सकते हो, बट इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सी मुस्कारे में मेरी जान बसती है, अगर मैंने ओपन किया मैं ना अप्लाई करूँ ना तो मुझे बुरा लगेगा। सो आप लोग कुछ ज़रूरी एक मस्कारा भी होना चाहिए आपके पास। एंड उसके बाद बारी आती है आईब्रो पैलेट की, एंड दिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरे पास है यहाँ पे आईब्रो किट, एंड मैं नहीं बोलूँगी बिगनर्स ऐड करें अपने उसमें, क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं तो उनके पास, मैं नहीं बोलती कि उनके पॉकेट मनी में एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं आ सकता, एंड मेरे पास सिर्फ यही थी तो इस वजह से मुझे दिखानी पड़ी ऑप्शन में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स अब आ गई हैं तो आप उनमें से भी ले सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सो एक आईब्रो किट भी होनी चाहिए। वैसे तो स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि मैं सिंपली आई शेडो लेती थी लाइट ब्राउन कलर का या मैचिंग का, एंड उससे फ्लप करके अपने मस्कारे का जो आपका खाली बॉन्ड होता है, स्टिक होती है, मैं उसी से अपना कर लेती थी। दैट्स इट, मैंने ऐसे जुगाड़ किया है स्टार्टिंग में, बट आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा, तो आप लोग बाय कीजिएगा। उसके बाद आईज भी हमारी सेट हो गई हैं, एंड आईज को सेट करने के बाद अब फेस मेकअप भी डन हो चुका है। एंड उसके बाद जो अब हमारा मेन किरदार निभाती हुई है वो है हमारे ये, सो नेक्स्ट है हमारे ये लिपस्टिक, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं लिक्विड लिपस्टिक में तो ओके है, वरना तो मैं बोलूंगी आप स्टार्ट जो है वो ब्लड लिपस्टिक से करो, एंड ये काफी ज्यादा इजी होती है अप्लाई करने में। एंड जो लोग बोलते हैं उनकी जो लिपस्टिक है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, स्मच हो जाती है, तो वो लोग प्लीज लिप लाइनर का यूज जरूर करें। एक न्यूट कलर में ले सकते हो, डार्क कलर में ले सकते हो, सब पे चल जाएगा, तो वो लोग जब अपनी लिप लाइन करेंगे तो उसके बाद वो स्मच नहीं होगी। यस, काफी लोग लिप लाइनर नहीं लगाते, काफी लोग बोलते हैं ओल्ड फैशन हो गया, पहले लोग लगाते थे, ऐसा नहीं है, लिप लाइनर जरूरी है, क्यों वो मेरी आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ अभी 1010 ब्रांड की ही कुछ कलर्स हैं, जैसे कि रेड है, ब्राउन है, एंड ये न्यूड पिंकिश है, जो काफी अच्छा जाएगा गर्ल्स पे। मैं इन सब के कोड भी बता देती हूँ,
ये है बॉलीवुड न्यूड एंड M15 एंड ये है हमारा M23 एप्रिकॉट एंड ये वाला जो है वो है M07 क्लोरल रेड। सो मैंने इन सबका आपको बता दिया। आप लिक्विड में भी ले सकते हो, आपको लैक में पसंद है आप लैक में साइड भी जा सकते हो, योर चॉइस। लिपस्टिक्स भी नॉर्मल है, सभी लगाते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो सभी के पास होगी। अब उसके बाद मैं कुछ एक्सेसरीज आपको दिखाऊंगी जो जरूरी है एंड मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि बात होती है एक्सेसरीज की तो जिसमें आप लोगों को मस्ट यहाँ चाहिए होगा एक ब्यूटी ब्लेंडर फॉर फाउंडेशन अप्लाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये अगर आपके पास जाना तो आपका बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर ले सकते हो सिंगल ब्रश भी मिलते हैं, आपको इस तरीके से टू टाइप्स ऑफ ब्रश चाहिए अपनी आई मेकअप के लिए। ये आपकी आईब्राउज को भी यहाँ फिल कर सकता है, यू सी, एंड ये आपके आईज पे जो है वो ग्लिटर लगाने में भी काम आ सकता है। एंड ये सेकेंड वाला जो है थोड़ा फ्लफी सा है जो कि आपका बेस लगा सकता है एंड आपकी आईज के यहाँ कॉर्नर्स को, आपके आईज की जो यहाँ इस तरीके से ये भी अप्लाई कर सकता है आपके दिस साइड, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। और इन दोनों ब्रश की हेल्प से आप लोग मेकअप कर सकते हो आई मेकअप। एंड एक आपके पास इस तरीके से बड़ा ब्रश होना चाहिए जिससे कि आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर को सेट कर सको टैप टैप करके। एंड ब्लश अप्लाई, हाइलाइटर अप्लाई, मैं तो कॉन्ट्रो भी इसी से कर लेती हूँ, उसको इस तरीके से फ्लैट करके एंड कॉन्ट्रो। सो यही एक्सेसरीज की आपको ज़रूरत थी। उसके बाद एक क्लास जो बहुत ज़रूरी है और वो है हमारा यहाँ मेकअप फिक्सर। ये नहीं है तो क्या, आप मेकअप कितना भी अच्छा कर लो जब आप उसको सेट नहीं करोगे अच्छी तरीके से तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकलने लगेगा और वो फिर बेकार लगने लगेगा। तो आपको एक मेकअप फिक्सर भी ज़रूर से ऐड करना चाहिए अपनी किट में। अब इन सब के अलावा आपको एक मेकअप रिमूवर या वाइप्स भी आपको रखने चाहिए या आपको अच्छे से मेकअप रिमूव करना आना चाहिए क्योंकि अच्छे मेकअप के लिए अच्छी स्किन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की वीडियो तो यही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को उसमें कुछ मिसिंग लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे, एंड आईलाइनर वाली वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है तो हैप्पी हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपनी किट बना लो फटाफट से क्योंकि फिर हम फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं अपने मेकअप की सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको किस चीज़ को कैसे यूज करना है, काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब भी आज से कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।